आज मैं बताऊंगा कि एसएससी आईडी का फॉर्म भर रहे हैं और आपके आईडी पासवर्ड फॉरगेट करने का प्रोसेसिंग नहीं पता है, तो आज मैं बताऊंगा कि कैसे प्रोसेसिंग करना है आपको फॉरगेट करने के लिए। देखिए, मेरे आईडी पासवर्ड दोनों पता है, फिर भी नहीं हो रहा, क्योंकि मुझे न्यू वेबसाइट और ओल्ड वेबसाइट दोनों भी चल रहा है। तो फिर देखते हैं किस वेबसाइट से यहाँ पर फॉरगेट होता है, क्योंकि मुझे सबसे पहले लॉगिन करने का प्रोसेसिंग करना होगा, क्योंकि यहाँ पर लॉगिन अगर नहीं होगा तो फिर उसके बाद ही फॉरगेट करूँगा। आईडी पासवर्ड होने के कारण भी कभी कभार क्या होता है कि फॉरगेट करना पड़ता है। तो चलिए दिखाते हैं न्यू वेबसाइट से होता है या ओल्ड वेबसाइट से होता है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा और यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि ओल्ड वेबसाइट से होगा या न्यू वेबसाइट से। तो चलिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। घबरा था तो, बट यहाँ पर क्या हो रहा था, सेम प्रॉब्लम देखने को मिल रहा था, बट बहुत सारा दोस्त घबरा गया था, तो इसके अकॉर्डिंग मैंने वीडियो भी बना दिया था और सबका प्रॉब्लम सॉल्व भी हो चुका था। तो बट देखिए, आज मैं आपको बताऊंगा कि इसे क्या प्रोसेसिंग करना है। देखिए, सबसे पहले गूगल पे आना है और यहाँ पर आपको जाना है एसएससी पे। जी हाँ, एसएससी सर्च करना है, और जैसे ही एसएससी सर्च करते हैं तो आपको यहाँ पर दो वेबसाइट देखने को मिलेगा। एक देख सकते हैं gov.in, जो कि नया वेबसाइट ये बन चुका है gov.in, और एक है ये ssscnic.in, जो कि ये ओल्ड वेबसाइट है। तो ओल्ड वेबसाइट को आपको ओपन नहीं करना है, आपको ओपन करना है किसको, न्यू वेबसाइट पे। जैसे न्यू वेबसाइट पे क्लिक करते हैं, आपको यहाँ पर नीचे सेलेक्ट करते हुए आना है। तो जैसे नीचे सेलेक्ट करते हुए आएंगे तो यहाँ पर क्विक लिंक देखने को मिल जाएगा आपको। तो अप्लाई का है, एडमिट कार्ड का है, आंसर की का है, रिजल्ट का है। तो हम लोग को करना क्या है, अप्लाई करना है। अभी जो भी वैकेंसी है यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, कॉन्स्टेबल जीडी, और आपको इस पर क्लिक करना है। तो अप्लाई पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा यूज़र नेम और पासवर्ड। तो चलिए मैं देता हूँ अपना आईडी पासवर्ड, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ क्या प्रॉब्लम आता है। आप लोग देख लीजिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पे अपना यूज़र आईडी, रजिस्ट्रेशन नंबर दे दिया और पासवर्ड दे दिया, जो कि मुझे पता है ये सेम है, और मेरे पास ये सेम है और मुझे याद है कि मैंने यहीं से अप्लाई कर दूंगा, क्योंकि फॉरगेट करने का ऑप्शन नहीं है, मतलब फॉरगेट नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे पास यूज़र आईडी पासवर्ड मुझे पता है और मैंने इसे अगले साल भी किया था और मैंने लिख के भी रख लिया था, तो इसीलिए मुझे यहाँ पर लॉगिन करने में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए था। तो बट यहाँ पर क्या हो रहा है, देख सकते हैं कि मैंने लॉगिन पर क्लिक करूँगा और क्या आता है, मतलब यूज़र नॉट वैलिड है। तो अब बहुत सारा दोस्त क्या कर रहे हैं, फॉरगेट कर रहे हैं। फॉरगेट कैसे कर रहे हैं मैं आपको बताता हूँ, फॉरगेट करने का तरीका। आप लोग घबरा रहे हैं, जानते हैं क्यों, क्योंकि ऐसे आ रहा है और आप लोग डायरेक्ट फॉरगेट पे जा रहे हैं। जानते हैं इससे प्रॉब्लम क्या होगा, इससे आपका हो सकता है कि आपको आईडी पासवर्ड में प्रॉब्लम हो जाए। आपको कॉन्फिडेंस है कि हाँ भाई मेरे पास यही है, तो आपको दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी जो है भाई, यहाँ पर सर्वर इतना मतलब स्लो चल रहा है कि कुछ कहने की बात नहीं है। ये जो फॉर्म आता है ना SSC ID का, 40 से 50 लाख 50 से 60 लाख स्टूडेंट फॉर्म अप्लाई करते हैं, जहाँ पर जिसका नेटवर्क सही चल रहा होगा उसमें ये वेबसाइट ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा, चलने लगेगा, फॉर्म अप्लाई हो जाएगा। आपका लैपटॉप है तो वहाँ पर थोड़ा सा बूस्ट मिलेगा तो ऑन हो सकता है, बट मेरे पास मोबाइल है तो थोड़ा सा स्लो चलेगा, और धीरे धीरे जब यूज़र कम होगा तो यहाँ पर ऑटोमेटिक ये वेबसाइट वर्क करने लेगा। चलिए फॉरगेट करते हैं, आप लोग का भी यहाँ पर दिखा देते हैं। यहाँ पर देखिए, आपको वेरिफिकेशन कोड के लिए ईमेल पासवर्ड चाहिए, और यहाँ पर मैट्रिक का, यहाँ पर आपका रोल नंबर चाहिए और डेट ऑफ बर्थ चाहिए, ये सब लगेगा। बट आपका एक ही चाहिए, बट इतना वैलिड नहीं है, तो आप पहले पे क्लिक करने रहने दीजिए, और यहाँ पर देखिए सारा यहाँ पर दे दिए। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ देना है, और उसके बाद एजुकेशन देना है, आपका निकास कहाँ से पास किया, आप चाहे तो ईमेल आईडी दे सकते हैं या तो मोबाइल नंबर, दोनों में से एक दे सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर दिखाते हैं आपको फॉरगेट करके क्या आता है। यहाँ पर आपको सब डेटा दे देना है, और जो आपको फॉरगेट करने का ऑप्शन मिलेगा आपको देखिए डेट ऑफ बर्थ देना है, और यहाँ पर एजुकेशन आपने कहाँ से किया, और एक ईमेल आईडी भी दे सकते हैं या फिर मोबाइल नंबर, दोनों में से एक देना होगा, ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर, तो आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर सारा दे दिया और गेट वेरिफिकेशन कोड पर क्लिक करता हूँ। तो मैं यहाँ पर गेट वेरिफिकेशन में जैसे ही क्लिक करता हूँ, यहाँ देखिए इरर देखने को मिल रहा, मतलब प्लीज़ इंटर योर वैलिड कैंडिडेट डिटेल्स, मतलब कैंडिडेट का डिटेल्स भी सही है। मैं खुद अप्लाई कर रहा हूँ तो मुझे पता है कि कैंडिडेट का डिटेल्स सही है, बट ये एरर क्यों आ रहा है, एरर इसीलिए आ रहा है कि अभी जो है फिलहाल यहाँ पर सर्वर पर लोड इतना चल रहा है ना कि यहाँ पर ओपन ही नहीं हो रहा है, और ओपन जब नहीं होगा तो फिर यहाँ पर आप लोग सोचेंगे हम लोग भरेंगे कैसे, भाई भर पाएंगे। आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा टेलीग्राम का, आप लोग ज्वाइन हो जाइए। जब भी यहाँ पर आपको वेबसाइट वर्किंग होगा तो आपको मैं बता दूँ कि आपको मैं वहाँ पर प्रोवाइड कर दूँगा कि हाँ भाई अभी अप्लाई हो रहा है तो आप लोग कर सकते हैं, बट आप लोग पर डिपेंड करता है टेलीग्राम ज्वाइन करना या नहीं करना। तो बट अभी जो है मैं इतना ही बोलूँगा कि सर्वर एरर है, मतलब अभी जो है यहाँ पर बहुत सारा प्रॉब्लम चल रहा है। तो चलिए ओल्ड वेबसाइट पर चलते हैं और आपको दिखाते हैं। मैंने जैसे यहाँ पर ओल्ड वेबसाइट पाया हूँ, और यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि फॉरगेट करता हूँ, और यहाँ पर भी बताता हूँ कि बहुत सारे दोस्त अभी कमेंट कर रहे हैं कि भाई नहीं ऑन हो रहा, ऑन हो रहा, हमें नहीं हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर
ये अभी जो है फिलहाल ये ओल्ड वेबसाइट है, यहाँ पर लॉगिन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ओल्ड वेबसाइट है, सभी सब चाहता कि मेरा न्यू वेबसाइट जो अभी लॉन्च किया गया है SSC की तरफ से। तो ये देखिए यहाँ पर भी नहीं होगा, देख सकते हैं फेंक दिया, नहीं हो रहा। फॉरगेट पे क्लिक करते, यहाँ पर सारा डिटेल दूंगा, फिर भी ये नहीं हुआ। मैं आपको दिखा देता हूँ सबसे पहले डिटेल देके। यहाँ पर देख सकते हैं मैंने डिटेल दिया, और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर जैसे मैं सबमिट करूँगा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, यहाँ देखिए यहाँ पर OTP आया होगा आपके मोबाइल पे। यहाँ पर अभी ये देखिए ओल्ड वेबसाइट पे वर्क कर रहा है भाई। अब बताओ कभी वाल अभी जो नया वेबसाइट वो तो वर्क नहीं कर रहा है, बट ये जो वर्क कर रहा है अभी देख सकते हैं कि ईमेल पे OTP आएगा। तो चलिए देखते हैं। तो चल भाई एक तो काम किया, ये अभी पुराना वेबसाइट ही वर्क कर रहा है। तो आप लोग देख सकते हैं आपके सामने यहाँ पर मैंने किया, यहाँ पर कितना है 7017, मतलब यहाँ पर दे देता हूँ ईमेल OTP क्या था भाई, एक बार और देख लो 7017। तो उसके बाद यहाँ पर कैप्चा देना, यहाँ पर देता हूँ, और ID पासवर्ड जो है भाई आपको वहीं पर भेज दिया जाएगा। कहाँ पर? आपको जो है आपके ईमेल पे भेज दिया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आपके सामने यहाँ पर न्यू वेबसाइट में तो नहीं हुआ, बट यहाँ पर देखिए यहाँ पर हो चुका है। देखिए यहाँ पर मेरे पास ID और पासवर्ड देखने को मिल चुका है। ये देखिए इस न्यू पासवर्ड बनाने के लिए बोल रहा है, और कन्फर्म पासवर्ड, तो मैं कन्फर्म पासवर्ड भी बना लेता हूँ, और ID पासवर्ड आपको देखने को मिल चुका है। ये रहा आपका ID और ये रहा पासवर्ड। तो अभी फ़िलहाल मैं आपको बता दूँ कि आपका जो है यहाँ पर वही ओल्ड वेबसाइट मेरे से वर्क किया, बट न्यू वेबसाइट भी चलेगा, बट मैंने आपको बोला हूँ सर्वर प्रॉब्लम हो सकता है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले पासवर्ड बना लेता हूँ एक भाई। अभी आपके सामने यहाँ पर वर्क किया, और जो कि पुराना वेबसाइट था, मतलब ये अभी पुराना ही वेबसाइट है और न्यू वेबसाइट पे ऑन ही नहीं हो रहा था। अब जैसे यहाँ पर ये पुराना वेबसाइट पाए और यहाँ पर ID पासवर्ड दिए, आपका यहाँ पर मिल भी चुका है, मैं इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेता हूँ, सेफ रहेगा। और यहाँ पर सबमिट कर देता हूँ। ये देखिए योर पासवर्ड हैज़ बीन चेंज सक्सेसफुल, अब लॉगिन करने के लिए प्रयास कीजिए। तो आपने आपके सामने यहाँ पे किया, देखिए अभी भी फिर भी नहीं होगा, मुझे पता है पासवर्ड भी सेम है। तो चलिए दे देता हूँ। ये देखो भाई अभी मैंने न्यू ID पासवर्ड बनाया आपके सामने फॉरगेट करके, फिर भी यहाँ पर देखिए लॉगिन नहीं होगा। ये देखो अरे भाई हो गया, वेबसाइट ओपन हो चुका। आप लोग ये फॉर्म भरिए। ये देखिए सर्वर कभी कभार आपको देखने को मिलेगा एरर, बट अभी सर्वर ऑन हो चुका है। अभी न्यू वेबसाइट पर जाकर ही फॉर्म भरना पड़ेगा, देखता हूँ इस पर होता है या नहीं होता, बट अभी न्यू वेबसाइट को भी ओपन करके देख लेता हूँ। तो फिलहाल के लिए वो तो मेरा वेबसाइट ऑन हो चुका है पुराना वाला, ये नया वेबसाइट पाया हूँ और देखता हूँ कि लॉगिन होता है या नहीं होता। देख सकते हैं यहाँ पर अभी न्यू वेबसाइट पे ना लॉगिन भी नहीं हो रहा भाई। ये देखो यहाँ पर देखो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है, यहाँ पर इनवैलिड यूज़र दिख रहा है, जो कि पुराना वेबसाइट पर भी ओपन हो रहा है, चल रहा है, फिर भी ये न्यू वेबसाइट पर चल नहीं रहा। देख सकते हैं आप लोग, ये देखो लॉगिन करता हूँ फिर भी यूज़र नॉट वैलिड दिख रहा है। तो कोई नहीं, यहाँ पर आप पुराना वेबसाइट पर ट्राई कीजिए। अभी आपके सामने मैंने ट्राई किया, फॉरगेट किया, सब हो चुका है। अभी चल कौन सा रहा है? वही वाला भाई, पुराना वाला। अब आप लोग भी यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। ओल्ड इज गोल्ड वेबसाइट है, मतलब पुराना वेबसाइट है, फिर भी ओपन हो चुका है। तो चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं। आप लोग लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट में। जय हिंद, वंदे मातरम।